मेरी फ्रेंड की शॉप में मैं कई बार जाया करता था, और उनके पास में एक ऑफिस जैसा है मेरे को लगा, और वह एक बंदा बैठा रहता है, और मैंने जब देखा उनको करीब करीब वो टीवी देखते रहते थे, मैंने कई बार देखा उनको, तो मैंने सोचा कि ये ऑफिस में खाली बैठा है बंदा, कुछ तो करता रहा होगा, वैसे तो कोई बैठता नहीं है। तो अपने फ्रेंड से मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे बगल में जो ये है भाई वो क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा उनका एक बिजनेस है। तो मैंने कहा बिजनेस तो कुछ दिखता नहीं है, न तो उनके पास कोई प्रोडक्ट है, कुछ भी नहीं है, क्या करते हैं वो? तो कि हाँ उनका एक बिजनेस है और वो पर डे 10,000 रुपये कमाते हैं। पर डे 10,000 रुपये? तो कि हाँ पर डे 10,000 रुपये कमाते हैं, वैसे पूरा दिन खाली होते हैं फिर भी 10,000 रुपये पर डे कमाते हैं। कौन सा बिजनेस है वो जिसमें पर डे 10,000 की इनकम उनको मिल रही है? मैंने डिटेल में उनको बारे में जाना। क्या आप जानना चाहते हो? आप जरूर जानना चाहते होंगे, तो इन वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए ये बिजनेस भी सीख लेते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो भाई है ये पहले एक होलसेल शॉप में नौकरी करते थे। 1 साल तक उन्होंने नौकरी की, फिर नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब वो क्या करते थे कि वो सुबह घर से ना धोकर तैयार होकर निकल जाते थे मार्केट में, और जो बड़े बड़े होलसेल व्यापारी हैं ज़्यादातर वो किराना के शॉप में जाते थे और वहाँ उनको बोलते थे कि भाई बोलो आज का आपका कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर लिखवाते थे। कोई कोई बोलते कि हमें 2 टन चाहिए, कोई 3 टन, कोई 4 टन, कोई 5 टन, कोई 1 टन, 1 टन से कम ऑर्डर वो नहीं लेते थे। तो इस टाइप से 1-2 घंटे में पूरी मार्केट में घूम लेते थे और पूरा सबका ऑर्डर ले लेते थे। ऑर्डर लेने के बाद वो सामने वाली पार्टी को बोल देते थे कि भाई 1 गाड़ी माल भेज दो, यानी कि 20 टन, 20,000 किलो। अब वहाँ जब इनका ऑर्डर चला गया तो वहाँ जो पार्टी है सामने, उन्होंने 1 टन गाड़ी बेच दी। अब वो गाड़ी दूसरे दिन यहाँ पर आ गई। जैसे दूसरे दिन सुबह 8-9 बजे गाड़ी आ गई तो अपने गोडाउन में वो पूरा माल खाली करवा दिया इन्होंने। माल खाली करवा देने के बाद वो आ गए अपने ऑफिस में, और बैठे बैठे वहाँ जो उनका जो मैनेजर था उनको फ़ोन करके बोल देते थे कि भाई इतनी पार्टियों का इतना ऑर्डर है, आप माल इनको पहुँचा दो। मान लीजिए किसी का 1 टन है तो अपनी छोटी गाड़ी में भर के वो 1 टन ले जाते थे, किसी का 2 टन, किसी का 4 टन, तो जिस टाइप से ऑर्डर है उस टाइप से अपने लोकल डिलीवरी कर देते थे। अब ये डिलीवरी 2-3 घंटे में 4 घंटे में हो जाती थी, और जब शाम होती ही 4 या 5 बजे के आसपास तो वो खुद जो भाई हैं वो मार्केट में जाते थे और पूरे दिन जो उन्होंने माल उनको दिया था उनका पेमेंट कलेक्ट करते थे। इस टाइप का काम ये पर डे करते हैं। कभी कभी वो नहीं होते हाजिर या कभी कभी छुट्टी पर रहते तो उनका जो दूसरा आदमी है ये काम वो करता है। अब ये किस टाइप का काम करते थे और इसमें कितना प्रॉफिट होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये बड़ा होलसेल का काम करते थे, यानी कि पूरी गाड़ी मंगवाते थे। अब मान लीजिए चीनी है, आप पूरी चीनी की गाड़ी मंगवा लो, गुड़ है आप गुड़ की पूरी गाड़ी मंगवा लो, कैटल फीड की अगर हम बात करें तो मक्का धान है आप मक्का मंगवा लो, कोई और इस टाइप का धान है आप उनको मंगवा लो, जो 50-50 किलो की बैग में, और ज़्यादातर बिना ब्रांड की जो प्रोडक्ट होती है, जो कोई बहुत बड़े ब्रांड के नाम से नहीं है, इस टाइप की जो प्रोडक्ट है वो भाई मंगवाते हैं और उनको देते हैं। इनकी ये पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट है, 1-2 प्रोडक्ट में वो अपने डील करते हैं, कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं देते हैं। क्योंकि और इसमें ये लोग क्या करते हैं, कोई जो किराना वाला है, मान लीजिए अगर हम गुड़ की बात करें, अगर उन्होंने किसी किराना वाले के पास से उनको बोला कि अभी आपको कितना गुड़ चाहिए, उसने बोला कि मेरे को 1 टन चाहिए। अब 1 टन जो गुड़ खरीद रहा है उनको मालूम है कि इन गुड़ का रेट अभी 60 रुपये है, और ये जो बंदा मेरे को दे रहा है वो 60 रुपये और 50 पैसे में देगा, यानी कि इनका प्रॉफिट केवल और केवल 50 पैसा पर किलो पर है। अब 20 टन की गाड़ी में 20,000 किलो आएगी, अगर हम 50 पैसे प्रॉफिट की बात करें तो पूरी गाड़ी में 10,000 रुपये प्रॉफिट इनका हो गया। तो दिन का 10,000 रुपया हो गया, पर डे 1 गाड़ी वो इस टाइप से बेचते थे। वो चाहते तो ज़्यादा भी बेच सकते थे मगर वो इतने में संतुष्ट थे, 1-1 गाड़ी रोज बेचते थे। अब जो व्यापारी उनके पास से माल ले रहा है उनको पता है कि भी ये 50 पैसा ले रहा है, फिर भी वो माल ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि इनको 1 टन माल चाहिए या इनको 2 टन माल चाहिए। अब 2 टन के लिए
न तो गाड़ी आएगी दो टन के लिए, अगर वो ट्रांसपोर्ट से मंगवाएंगे कोई वाया ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट में दो या तीन रुपये ट्रांसपोर्ट ज़्यादा लग जाएगी, तो फिर जो उनकी जो पड़तर वैल्यू है वो और भी बढ़ जाएगी। तो इन लोगों को मालूम है, ख़रीदने वाले को भी मालूम है कि भाई आज का रेट चीनी का 32 है मगर फिर भी हम इनको 32.50 रुपये दे रहे हैं, या 35 है तो हम इनको 35.50 रुपये दे रहे हैं, 50 पैसे उनको मालूम है फिर भी दे रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन इस टाइप का बिजनेस है। अब आप इनको ब्रोकरिंग बोलो तो बोल सकते हो, ब्रोकर कहना चाहो तो भी कह सकते हो। कई लोग ऐसे हैं जो इस टाइप का बिजनेस करते हैं। अब कई मित्र मुझे कमेंट कर रहे थे कि भी कोई बड़ा बिजनेस बताओ जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना पड़े मगर प्रॉफिट अच्छा मिले, तो ये बिजनेस बहुत ही बेहतरीन है। इसमें आपको 10 लाख से लेकर 20 लाख या 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा मगर प्रॉफिट आपको जेन्युइन मिलेगा। पर डे 10,000 रुपया आप चाहो तो कर सकते हो। अब आप कमेंट करोगे यार 20,000 किलो यानी कि 400 बैग, 50 किलो की अगर हम गिने तो 400 बैग हुई, 400 बैग पर डे कैसे सेल करें? अरे भाई 400 बैग में कौन सी बड़ी बात है, लोग 400 क्विंटल बैग देते हैं, मार्केट बहुत बड़ा है। आप कभी गए नहीं होंगे होलसेलर के पास तो आपको मालूम नहीं होगा। अगर चीनी की बात करें तो जो होलसेलर हैं हमारे यहाँ भी ऐसे 2-3 होलसेलर हैं जो पूरी की पूरी अपनी खुद की गाड़ी मंगवाते हैं, 20 टन माल अकेला होलसेलर मंगवा रहा है। गुड़ में भी वैसा हो रहा है, जो लोग गुड़ बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बेच रहे हैं वो अपनी खुद की गाड़ी मंगवा रहे हैं 20-20 टन, और आप बोल रहे हो यार 200 बैग कैसे बेचे, 100 बैग कैसे बेचे, 300 बैग कैसे बेचे, 200 बैग, 300 बैग, 400 बैग, ये बैग बेचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ एक बात है, यहाँ आपको क्वांटिटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्वालिटी को तो आपको रखना ही है मगर क्वांटिटी आपको ज़्यादा बेचनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अब जो ज़माना है इंटरनेट का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, तो इस टाइप में क्या है कि सबको मालूम है। अब मान लीजिए पहले तो ऐसा था नहीं, तो पता नहीं था कि भाई यहाँ जो चीज़ 40 रुपये में बिक रही है उनका रेट दिल्ली में क्या होगा पता नहीं, बॉम्बे में क्या होगा पता नहीं। अब तो सबको मालूम है कि भाई जो चीज़ यहाँ 40 में बिक रही है वो दिल्ली में से 35 में मिल रही है, वो बॉम्बे में 35 में मिल रही है, बीच में कितना गैप है, केवल 5 रुपये का, 2-3 रुपये ट्रांसपोर्ट हो गया तो 1-2 रुपये बचे पर केजी। तो ये सबको मालूम है कि कौन कौन कितना कितना प्रॉफिट कर रहा है। तो अब आप बहुत ही छोटे छोटे से चलोगे कि मैं तो पर डे को 50 किलो बेचूंगा, 100 किलो बेचूंगा या 100-150 किलो बेचूंगा, तो इस टाइप से भाई काम नहीं होने वाला है। आपको क्वांटिटी में बेचना है, आप चाहो तो पूरी की पूरी गाड़ी मंगाओ, पूरी की पूरी गाड़ी बेचो। अब स्टार्टिंग में आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अब धीरे धीरे से स्टार्ट करो, मगर आपको क्वांटिटी पर नज़र रखनी है और क्वांटिटी के हिसाब से आपको चलना है, तभी आप मार्केट में चल पाओगे। क्योंकि देखिए जो बड़े बड़े होलसेलर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो अपनी पूरी खुद की 20-20 टन की गाड़ियां मंगवाते हैं और उनको जो आदमी माल बेच रहा है अपना प्रॉफिट 1-2 रुपया लेगा, और आप 5 या 10 रुपये प्रॉफिट लेकर मार्केट में जाओगे तो आपके प्रोडक्ट कौन लेगा, होलसेलर नहीं लेंगे। तो इसलिए क्वांटिटी के हिसाब से चलो। और दूसरा, अगर आपको बेचना नहीं आता है कि मैं कैसे बेचूं, तो उन पर मैंने ऑलरेडी भाई 3-4 वीडियो बनाई है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे दे वो मैंने बनाई है, माल कैसे बेचे उन पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई है, चीनी का बिजनेस कैसे करे उन पर भी मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई है। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उन वीडियो को आप देखो, आपको आई बटन में इन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी, तो आप इन वीडियो को जरूर देखना। देखो यहाँ आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास हमारा जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपके पास अपने गोदाम होना चाहिए, और आपके पास थोड़े पेमेंट भी होने चाहिए, यानी कि 8-10 लाख रुपए के आसपास अगर हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। या आप बहुत ही जो प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम है, यानी कि 10 रुपये किलो वाली, 15 रुपये किलो वाली, ऐसी भी कई प्रोडक्ट है जो बहुत ही कम प्राइस वाली हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करो मगर ज़्यादा क्वांटिटी बेचना स्टार्ट करो। अगर आप पर केजी 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया उस टाइप का प्रॉफिट से चलोगे तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिकोगे और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करोगे। बाकी आप थोड़े थोड़े प्रोडक्ट बेचोगे तो सिर्फ मजदूरी करोगे यार, और कुछ नहीं होगा। आप 50 किलो बेचोगे कितना कमा के कमाओगे, आप पर डे 50 किलो बेचोगे अगर 5 रुपया कमाओगे तो भी 2.5 रुपया होगा, और अगर आप 500 किलो बेचो और अगर आप सिर्फ 2 रुपया कमाओ
तो भी 1000 रुपये हो गए, या सिर्फ 1 रुपया भी आप प्रॉफिट करके बेचो तो भी 500 किलो का 500 रुपया हुआ। तो क्वांटिटी के हिसाब से चलिए और अपना बिजनेस कीजिए। कैसा लगा आज का मेरा ये बिजनेस आइडिया आपको, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे, आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।